तो फर्स्ट देखेंगे ओपन सिस्टम क्या है, फिर क्लोज्ड सिस्टम, फिर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, देन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, then thermodynamic equilibrium, then thermodynamic process, then indicator diagram, then different types of processes, ठीक है, उसके बाद zeroth law, ठीक है, इतना देखेंगे फिर आगे का देखेंगे। चलो तो कौन सा टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, थर्मोडायनामिक्स, कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा देखेंगे उसके बाद मेन कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ओपन सिस्टम, फर्स्ट क्या है, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मास बोथ हैपेंस इन ओपन सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मास बोथ हैपेंस। जो भी थर्मल का पार्ट है, अभी ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे तो तुम लोगों को समझेगा कितना अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा इसका। तो जो भी थर्मो का पार्ट है, थर्मल का एंटायर थर्मल, उसमें बस कैलोरीमीटर थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसा फ्रिक्शन देखा था ना, दिमाग लगाना पड़ता है, एक ब्लॉक है उसके ऊपर एक ब्लॉक है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो वैसा ही थोड़ा कैलोरीमीटर का पार्ट डिफिकल्ट है, बाकी एंटायर थर्मल पार्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एंटायर थर्मल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम सिंपल सिंपल है। और इस पे कितना क्वेश्चंस आता है, 6 क्वेश्चंस आ सकता है थर्मल पे, 5 to 6 क्वेश्चंस आ सकता है। अकेला थर्मोडायनेमिक्स पे 3 क्वेश्चंस आ सकता है, अकेला थर्मोडायनेमिक्स पे कितना, 3 क्वेश्चंस आ सकता है। तो थर्मल सेक्शन एंड उसमें थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी चैप्टर है, सब थर्मल का चैप्टर, सब थर्मल का चैप्टर एकदम इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, ओनली कैलोरीमीटर थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब एकदम चिल्लर है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो ये पार्ट, ठीक है। अब जिनको मैकेनिक्स डिफिकल्ट जा रहा था, मैकेनिक्स का जो भी हमने देखा 1D प्रोजेक्टाइल, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इधर कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो ये वाला पार्ट। और मैकेनिक्स में भी थोड़ा फ्रिक्शन ही डिफिकल्ट है, बाकी पूरा मैकेनिक्स भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो तो एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो, स्कोरिंग वाला पार्ट है सबके लिए, सबके लिए एक स्कोरिंग वाला पार्ट ही है। तो ओपन सिस्टम, ओपन मतलब एनर्जी भी एक्सचेंज होता है, वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी का भी एक्सचेंज करता है, मटेरियल का भी एक्सचेंज करता है। तो ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, ये एक पॉट है, पॉट के अंदर वाटर है, वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे और ओपन है, तो इधर से बाहर मटेरियल भी जा सकता है और यहां से बाहर एनर्जी भी जा सकता है। तो ये ठंडा भी होगा, कूल भी हो जाएगा, कूल हो रहा है मतलब हीट लॉस कर रहा है, हीट लूज कर रहा है, एंड ये इधर अमाउंट ऑफ वॉटर भी कम हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, मतलब मटेरियल भी लूज कर रहा है। सो दिस इज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या रहता है, इसके ऊपर अगर कैप लगाया और इसको क्लोज किया तो दिस इज क्लोज सिस्टम। मेटल का पॉट है, उस पर एकदम टाइट कैप लगाया, बंद कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अंदर पानी है, तो दिस इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या, एनर्जी ट्रांसफर होता है बट मास ट्रांसफर डज नॉट हैपन। अब यहां से अंदर का वाटर बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर का एनर्जी तो अभी भी बाहर आ रहा है,
इंसुलेटेड नहीं है, ये मेटल है, तो मेटल में से बाहर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। देन उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब इसी को क्या करने का, ग्लास वूल लगाने का, ग्लास वूल लगाने का, या फिर जो भी इंसुलेटर है ऐसा उसको इंसुलेट करने का, कुछ भी इंसुलेटर मटेरियल लगा के उसको पैकिंग करने का बाहर से और उसको इंसुलेट करने का, तो अंदर का हीट बाहर नहीं जाता, बाहर का हीट अंदर नहीं जाता, तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो एनर्जी भी बाहर नहीं जाता, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम का तीन टाइप्स है, ठीक है, सिस्टम का तीन टाइप्स। नेक्स्ट टाइम ये क्या है, सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम। देन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या वेरिएबल रहता है, तो वेरिएबल्स है इतना, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एंड ये है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को जनरली हम लोग एन से डिनोट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में म्यू से डिनोट किया, एन से डिनोट किया तो भी चलता है, नंबर ऑफ मोल्स से, म्यू मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन से डिनोट करना है तो एन से डिनोट करो, वैसा भी चलता है, लेकिन बुक में म्यू यूज किया है, एररलेस में म्यू यूज किया है, तो मैं म्यू यूज कर रहा हूं, ठीक है, ओके। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, देन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल नहीं, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या रहता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब ऑल दीज पैरामीटर्स आर इन इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस ऑल दीज पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, ऑल दीज पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट है, समझो अगर इस सिस्टम, ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल नहीं सॉरी थर्मोडायनेमिक, If I am saying this system is in thermodynamic equilibrium, मतलब क्या? ये सब constant है, इसका pressure हमेशा constant रहा, इसका volume change नहीं हो रहा, इसका temperature भी same है, इसका internal energy भी same है, इसका number of moles भी same है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? This system is in thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium में तीन equilibrium रहता है, एक तो mechanical, then thermal equilibrium रहता है, ठीक है, और क्या इक्विलिब्रियम रहता है, मैकेनिकल, थर्मल और एक कुछ तो रहता है, क्या रहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल मतलब अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब तीनों इक्विलिब्रियम से, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिंपल सिंपल पार्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाएंगे। देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या रहता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब चेंज होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का हम लोग इंडिकेटर डायग्राम निकाल सकते हैं, इंडिकेटर डायग्राम मतलब क्या रहता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, मतलब एक एक्सिस पे प्रेशर लेने का, एक एक्सिस पे वॉल्यूम लेने का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, ये भी इंडिकेटर डायग्राम है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर भी रह सकता है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, लेकिन जनरली हम लोग कौन सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हम लोग जनरली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन सा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन सा है, तो फोर टाइप्स है, और भी हो सकता है ऐसा नहीं, लेकिन फोर टाइप्स मेन है, कौन कौन सा, प्रेशर कांस्टेंट पे प्रोसेस करने का, प्रेशर कांस्टेंट पे प्रोसेस है तो उसको आइसोबारिक बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के काम किया तो उसको आइसोकोरिक बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल,
एंड अंदर हीट नहीं दिया, अंदर का हीट बाहर नहीं लिया, तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक। उसको क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक। सिस्टम के अंदर हीट नहीं जाता, सिस्टम से बाहर भी हीट नहीं आता, तो उसको क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक। तो मेन प्रोसेसेस कितना टाइप है? प्रोसेसेस का 4 टाइप है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सिंपल बेसिक है, इसमें मुझे कुछ लगता नहीं, कुछ लिख के लेना है। देन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जीरोथ लॉ क्यों है? तो पहले क्या हुआ, फर्स्ट लॉ निकला, फिर सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का निकला, एंड उसके बाद में फिर ये लॉ डिस्कवर हुआ, उसके बाद में ये लॉ किसी ने तो प्रपोज किया, और ये थोड़ा ज्यादा ही बेसिक था, नहीं तो इसको थर्ड लॉ भी बोल सकते थे। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ निकला, फिर सेकेंड लॉ निकला, उसके बाद में क्या हुआ, इसका डिस्कवरी हुआ। तो ये ज्यादा ही बेसिक था, इसलिए अब इसको कौन सा नंबर देना था? नंबर वन तो चला गया था, तो इसलिए इसको क्या बोला? जीरोथ लॉ। नंबर वन से पहले है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इफ सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सी एंड सिस्टम बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। ये 9th एंड 10th में ज्योमेट्री में भी हुआ है। इफ ट्राइंगल ए इज सिमिलर टू सी, if triangle b is similar to c, then triangle a and b are similar, hai na? Waisa hi hai, iska iska thermal equilibrium hai, iska iska bhi thermal equilibrium hai, to system a and b bhi equilibrium mein hai, theek hai? Theek hai, ab zyada kaam mein nahi aata numerical solve karte waqt, to itna hi yaad rakho. Chalo next part kya hai, next part dekhte hai, ye wala part important hai, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में लगता है। हीट फर्स्ट देखना है, हीट लिखता हूं फिर स्टार्ट करें। ठीक है, क्या बोल रहे? थर्मल एक्सपेंशन करेंगे करेंगे,
ठीक है, चलो देखो। तो नेक्स्ट पार्ट क्या देखना है अभी, ये वाले कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इनका हमेशा काम लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या देखना है, हीट क्या है, सेकेंड देखना है इंटरनल एनर्जी क्या है, एंड थर्ड देखना है क्या है, वर्क डन क्या है। तो ये सब कंसेप्ट्स किधर लगती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगती है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है देखते हैं, फिर उल्टा काम करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो एकदम सिंपल सिंपल है, एकदम बेसिक बेसिक है, सिंपल चैप्टर है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा नहीं चाहिए क्यू चाहिए, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलता है एकदम सिंपल लॉ, ₹10 दिया तो सिस्टम ₹10 का खर्चा करेगा, एकदम ऐसा सिंपल लॉ है। जैसा किरचॉफ देखा था, किरचॉफ में क्या देखा था, वैसा ही सब था किरचॉफ में भी, प्रोवाइडेड उसको ₹100 दिया तो वो ₹100 खर्चा करता है। तो किरचॉफ में क्या, 100 होल्ट्स मिला तो ₹100, 100 होल्ट्स क्या करता है ड्रॉप करता है, 100 होल्ट्स मिला तो 100 होल्ट ड्रॉप करता है। तो किरचॉफ में क्या रहता है, इन अ क्लोज लूप जितना पोटेंशियल मिलता है उतना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। किरचॉफ में क्या होता है, जितना पोटेंशियल मिलता है उतना पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्लोज लूप में। यहां पर भी वैसा ही, जितना एनर्जी मिलता है उतना सब खर्चा होता है, जितना एनर्जी दिया आपने उतना सब एनर्जी क्या होता है, खर्चा होता है सब एनर्जी का। तो एनर्जी का खर्चा दो टाइप्स में होता है, जितना हमने सिस्टम को एनर्जी दिया, जितना हमने सिस्टम को एनर्जी दिया दैट इज क्यू, ठीक है, जितना भी हमने सिस्टम को एनर्जी दिया दैट इज क्यू। तो उसका सिस्टम क्या करता है, उसका सिस्टम क्या करता है, एक तो अपना इंटरनल एनर्जी चेंज करता है, एक तो अपना इंटरनल एनर्जी चेंज करता है। इंटरनल एनर्जी मतलब उसके अंदर जो भी एनर्जी बैठा है उसको बढ़ाता है। तो अंदर का एनर्जी मेजर करने का कैसे देखेंगे वो, और थोड़ा एनर्जी से क्या करता है, काम करता है, थोड़े एनर्जी से काम करता है, ठीक है, थोड़े एनर्जी से काम करता है। तो जितना भी हमने एनर्जी दिया थोड़ा एनर्जी अपना अंदर का एनर्जी बढ़ा के लेता है और थोड़ा सा क्या करता है, वर्क में भी यूज करता है। तो हर एक टर्म का क्या क्या यूज है, कैसा कैसा यूज करने का उसको देखेंगे। पहला वाला है क्यू, तो हीट है ये पाथ डिपेंडेंट रहता है, हीट क्या रहता है, पाथ डिपेंडेंट, दिस इज हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, दिस इज व्हाट क्यू मतलब क्या है, हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। तो अगर सिस्टम को हीट दिया है तो प्लस लिखने का, अगर सिस्टम से हीट लिया है तो माइनस लिखने का, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी लॉ है, लेकिन केमिस्ट्री में W इधर दिया है, केमिस्ट्री में W इधर दिया है, क्यों, वो साइन कन्वेंशन थोड़ा केमिस्ट्री में अलग बोला है, फिजिक्स में अलग बोला, इसलिए ऐसा है। तो Q क्या है, अगर एनर्जी सिस्टम को दिया है तो Q पॉजिटिव है, एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलता है तो Q क्या है, नेगेटिव है, ओके? इसका साइन कन्वेंशन में बाद में बोलता हूं, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी दिया है तो प्लस, एनर्जी सिस्टम से निकाल के लिया है तो Q क्या लेने का, माइनस, ठीक। तो Q जो भी सिस्टम को हमने हीट दिया है या फिर उससे लिया है, जो भी सिस्टम को हमने हीट दिया है या फिर उससे लिया है, क्यू ये रहता है पाथ डिपेंडेंट, ये क्या रहता है, पाथ डिपेंडेंट। मतलब एडियाबेटिक से काम किया तो अलग क्यू, आइसोथर्मल से काम किया तो अलग क्यू, आइसोकोरिक के लिए अलग रहता है एंड आइसो बारिक के लिए अलग अलग, ठीक है ना। तो ये क्यू क्या रहता है, पाथ डिपेंडेंट रहता है, क्यू क्या रहता है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब देखो अगर ऐसा क्या क्या क्या, एक ऐसा डब्बा है अपने पास, एक ऐसा डब्बा है इसमें प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक एंड वॉल्यूम है समझो 2 लीटर, 2 लीटर नहीं 20 लीटर लेता हूं, ठीक है, ये डब्बा है
इसमें कुछ तो गैस भरा हुआ है, इसका प्रेशर 2 एटमोस्फेरिक है एंड इसका वॉल्यूम कितना है 20 लीटर है, ठीक है ओके। अब क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है समझो 30 डिग्री है, इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री है। अब काम क्या करना है, देखो ये बोल रहा हूं ना मैं पाथ डिपेंडेंट है, क्यों क्या है पाथ डिपेंडेंट, कैसे पाथ डिपेंडेंट है वो बोल रहा हूं। तो टेम्परेचर इसका 30 है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मुझे फाइनली क्या चाहिए, चेंज करना है मुझे, क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू चेंज टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। तो मुझे टेम्परेचर चाहिए समझो 50, समझो मुझे इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना चाहिए 50 चाहिए। तो मेरा काम क्या है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल क्या है वो फिक्स है, वो तो दिया ही है मुझे, फाइनल काम क्या करना है वो भी फिक्स है। तो इधर से उधर जाना है लेकिन रास्ता मेरे हाथ में नहीं है, रास्ता में कुछ भी चूज कर सकता हूं। टेम्परेचर बढ़ाने का है तो मैं कौन से भी रास्ते से काम करता हूं, समझो अगर आइसोबारिक से काम किया, प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया, समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, काम क्या है मेरा कि टेम्परेचर सिस्टम का 30 है, मुझे 30 नहीं चाहिए 50 करना है, मुझे मेरा काम है कि टेम्परेचर 50 करना है। तो टेम्परेचर 30 से 50 करने का काम दो एक दो तरह से हो सकता है, अलग अलग पाथ से हो सकता है, काम तो वही है लेकिन अलग अलग पाथ से हो सकता है। तो ये अगर मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर रख के किया, अगर टेम्परेचर बढ़ाने का काम ये अगर मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर रख के गया तो उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, उसको क्या बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, पी कॉन्स्टेंट से किया, या फिर यही काम किया मैंने लेकिन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख के किया, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम प्रेशर कॉन्स्टेंट रख के किया तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख के किया तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो काम तो वही है लेकिन पाथ अलग है, पाथ मतलब काम करने का तरीका अलग है, इधर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा है इधर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा है। तो यहां जितना हीट लगता है और यहां इस केस में जितना हीट लगता है वो अलग अलग है, इस केस में हीट थोड़ा ज्यादा लगता है, इस केस में हीट थोड़ा कम लगता है, कम क्यों ज्यादा क्यों वो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या आइसोबारिक से काम करे, प्रेशर कॉन्स्टेंट रख के टेम्परेचर इंक्रीज किया, उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करना है 30 से 50 तो ज्यादा हीट लगता है, और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख के काम किया अलग पाथ, इसको बोलेंगे अलग पाथ, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख के काम किया टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज करना है लेकिन यहां पे कम हीट लगता है। तो हीट लगता कितना है, हीट लगता कितना है दैट डिपेंड्स अपॉन पाथ, प्रोसेस को हीट कितना लगता है दैट डिपेंड्स अपॉन पाथ, स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टेट मतलब ये स्टेट तो फिक्स है, स्टेट मतलब इनिशियली 30 पे था फाइनली मुझे 50 पे चाहिए, इनिशियली 30 पे था फाइनली मुझे 50 पे चाहिए। तो टेम्परेचर का स्टेट क्या है, फिक्स है, टेम्परेचर फाइनल कितना चाहिए, इनिशियल कितना चाहिए, स्टेट फिक्स है, पाथ फिक्स है क्या नहीं, पहले कॉन्स्टेंट प्रेशर से काम किया बाद में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से काम किया, तो इसको बोलते हैं पाथ और इसको बोलते हैं स्टेट। तो स्टेट फिक्स है, रास्ता फिक्स नहीं, तो रास्ता चेंज पाथ चेंज किया तो हीट नीडेड ऑल्सो चेंजेस। तो हीट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हीट क्या है, पाथ डिपेंडेंट, आइसोबारिक से किया तो अलग हीट लगता है, आइसोकोरिक से किया तो अलग लगता है, आइसोथर्मल पे अलग लगता है, आइसोथर्मल पे अभी टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, एडियाबेटिक से किया तो अलग लगता है, ठीक है ना, यहाँ पे एडियाबेटिक से काम हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना एडियाबेटिक से कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करना आइसोथर्मल से पॉसिबल नहीं है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम 30 से टेम्परेचर 50 लेके जाने का काम तीन टाइप से हो सकता है, एडियाबेटिक से, आइसोबारिक से, आइसोकोरिक से। तो तीनों केसेस में अलग अलग हीट लगता है, तीनों केसेस में क्या लगता है, अलग अलग हीट लगता है। तो हीट हीट रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, हीट डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है। तो आइसोबारिक है तो कितना हीट लगता है,
आइसोबारिक प्रोसेस है, तो कितना हीट लगता है इसका भी एक्सप्लेनेशन बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देखो। अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो कितना हीट लगता है, तो ऐसा रहता है उसका फॉर्मूला, म्यू नंबर ऑफ मोल्स इनटू सी टी स्पेसिफिक हीट फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो अलग रहता है, स्पेसिफिक हीट फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो अलग रहता है, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हुआ है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीपी इनटू डेल्टा टी, तुम लोगों को ऑलरेडी हुआ है तो सीपी वगैरह सब पता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीपी इनटू डेल्टा टी में, जो सीपी किधर होता है, सीपी होता है काइनेटिक थ्योरी में, लेकिन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है सीपी कैसा है, इसलिए मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, म्यू इनटू सीपी इनटू डेल्टा टी, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे काम है तो उतना 30 से 50 लेना है ना, टेम्परेचर चेंज कितना 30 से 50, मतलब 20 का टेम्परेचर चेंज के लिए कितना हीट लगता है, तो म्यू सीपी डेल्टा टी, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे काम होता है तो कितना हीट लगता है, म्यू सीवी डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे काम होता है तो कितना लगता है, म्यू सीवी डेल्टा टी, ठीक है, ओके। तो ये आइसो बारिक पे इतना हीट लगता है, आइसो कोरिक पे इतना लगता है, समझो अगर एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक में कितना हीट लगता है, एडियाबेटिक में हीट लगता ही नहीं, एडियाबेटिक में हम लोग हीट देते भी नहीं लेते भी नहीं, तो जीरो रहता है, एडियाबेटिक के लिए चेंज इन हीट या फिर हीट गिवन कितना रहता है, हम देते भी नहीं लेते भी नहीं, तो कितना रहता है, जीरो रहता है, ठीक है, इधर डेल्टा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस क्यों लिखेंगे, ठीक है। और आइसोथर्मल में कितना लगता है वो निकाल नहीं सकते, उसको थोड़ा अलग टाइप से निकालना पड़ता है, बाद में बोलूंगा, ठीक है, तो हीट का क्लियर, वापस एक बार ज्वाइन करो, फिर नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क देखते हैं, और एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा अनक्लियर अनक्लियर लग सकता है, एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट होने के बाद और क्लियर लगेगा, एकदम इजी पार्ट है, ठीक है, वापस एक बार कनेक्ट करो।